और पिटूनिया तो ठंडे के राजा है, छोटा खिल रहा है, तो इसको मैं प्रूनिंग करूंगी इसको शुरुआत वाला को, ताकि ये फैल जाएगा। फुला करके 4 दिन रखें, उसके बाद में पानी मिला के दीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, मेरे ग्रीन इरा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों ये पिटूनिया है, ये भी इसका भी हो गया कम से कम 1.5 महीना हो जा रहा है, तो इसको मैं गमला में लगा नहीं पा रही हूँ, गमला में लगाना है, खिलने भी हो जा रहा है। तो इस तरह से है पिटूनिया भी, इसको बीज की थी उससे हटा के मैं देखिए डिस्पोजर में लगाई हूँ इस तरह का, ये देखें तो इस डिस्पोजर में देखिए बढ़ जा रहा है, ये देखिए इस तरह, और खिलने भी हो रहा है, ये देखें इस तरह का देखें, और घास भी हो गया है कहीं कहीं। तो ये कौन कौन सा कलर है वो पता नहीं चल पा रहा है अभी, तो फिर इसको मैं गमला में चेंज करूंगी, ये देखिए। अरे वर्बीना है ये, इसको भी मैं इसी के साथ में लगाई थी, तो देखिए वर्बीना ये थोड़ा सा ऊंचा बढ़ने वाला है लगता है, इसीलिए थोड़ा ऊंचा हो गया है। और ये डॉग्स फ्लावर है, ये दो प्लांट यहाँ लगा दी हूँ, तो फिर ये भी हो रहा है अच्छा से। तो ये डिस्पोजर मेरा ख़त्म हो गया था दोस्तों, तो ये देखिए इसी में कितना पौधा लगा दी हूँ, देखिए ये वाला मिट्टी का गमला में, तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5 लगा दी हूँ। तो इसको आधा हटाऊंगी दोस्तों, इतना इतना इसी में एक में लगाने से बहुत ज़्यादा झुंड हो जाएगा, इसलिए हटा दूंगी। और इधर भी ये है जो ये देखिए गल गया आधा, पानी बारिश हुआ दोस्तों तो ये गल गया, इसमें भी ढेर सारा लगाई थी और एक ही बचा है इसमें। और इधर ये है, ये इसमें का नहीं गला है, और इधर ये एक गल गया है देखिए, और गोली गली रहा है, और ये सब है। तो पानी बहुत ज़्यादा होने से ख़राब होता है, और बारिश भी हुआ था इसलिए इस तरह का हो गया। और देखें ये भी है, इसमें भी जितना था पौधा उतना है नहीं गला है, इसमें भी 5 लगा दी हूँ। फिर ये भी है, ये भी इसमें भी हो गया है, ये देखिए इसमें का नहीं गला है। तो अब इतना बड़ा में से मैं चेंज की हूँ डिस्पोजर का, को इसमें चेंज की हूँ, छोटा था इसमें वाला को, इतना इसी वाला में मैं लगा रही हूँ, तो इसमें फैलता है तो बहुत ज़्यादा खिला खिला दिखता है दोस्तों। ये चौड़ा वाला में पिटूनिया ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैं ये देखें इस तरह का टोकरी मैं बाजार से ले आई हूँ, 20 रुपया में मिलता है, तो वही ले आई हूँ दोस्तों। इसी में मैं पिटूनिया लगाती हूँ, और इसको पहले लगाना चाहिए था, लेकिन ये देखें खिलने हो रहा है, इतना ही छोटा में मैं लगा नहीं पाई थी, तो बड़ा हो जाता और वैसे ही हो जाता है ये भी, लेकिन अभी नहीं हो पाया है, अभी 3-4 दिन पहले लगाई हूँ। तो ये खिल गया है दोस्तों, ये खिल रहा है, खिलने वाला है, छोटा खिल रहा है, तो इसको मैं प्रूनिंग करूँगी इसको शुरुआत वाला को, ताकि ये फैल जाएगा इसका ही पौधा इधर उधर। ये तो अभी 4 दिन हुआ है इसमें चेंज की हूँ, ये वाला गमला में यानी कि टोकरी में, ये देखिए इस तरह का है एक टोकरी, उसी में मैं टोकरी में ही लगाती हूँ, इसमें फैल जाता है इसलिए, तो देखने में बहुत सुंदर दिखता है दोस्तों। तो एक में तो ये मेरा खिल भी गया है दोस्तों, ये देखें ये खिला हुआ कहीं देखे तोड़ रही हूँ ताकि अच्छा खिले, बीज नहीं बनना चाहिए इसमें, बीज बन रहा है देखें, खिला है इसमें, उसको तोड़ना पड़ेगा, मैं ध्यान नहीं देती हूँ। तो आप लोग भी पौधा को अच्छा से देखें, मेरा इस तरह का है छोटा पौधा, तो ध्यान दें आप लोग भी, वैसे ही कम पानी दें, जब सूख जाता है तभी पानी दें, और खाद भी अच्छा से दें, ताकि ठंड के दिन में बहुत अच्छा खिलेगा। और पिटूनिया तो ठंडे के राजा है, एकदम बहुत सुंदर लगता है, और है सो ये तो
गर्मी तक भी खिलता है दोस्तों, जितना लेट लगाइएगा तो लेट में ही खिलता है, बरसात में भी रह जाता है लेकिन पानी से मर जाता है। तो ऐसे ही लगाइए आप लोग भी, मेरा भी लेट हो चुका है, आज तक तो खिल जाता है, देखिए इस तरह का हो जाता है लेकिन लेटे लग गया है इस बार भी मेरा। पिटूनिया का पौधा को भी धूप में ही अच्छा होता है दोस्तों, इसलिए हमेशा धूपे में रखिए तो खिलने में बहुत अच्छा खिलता है और सुंदर भी दिखता है, ये देखिए। और इसमें खाद में दे दीजिए आप लोग, ये सरसों का खली दीजिए, और सरसों का खली को भी 4 दिन यानी कि फुला करके 4 दिन रखें, उसके बाद में पानी मिला के दीजिए, ज़्यादा गाढ़ा देने से ख़राब हो जाता है, मर जाता है, इसलिए बहुत पतला ही देना है। मात्रा मैं उतना नहीं बता रही हूँ अभी दोस्तों, इसलिए पतला ही दीजिए ताकि अच्छा होवे, और बहुत ज़्यादा पानी से भी प्रिवेंट करना है। तो दोस्तों मेरे ग्रीनीरा चैनल को आप लोग देखते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।